हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो सिर्फ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें रोज़ कॉल्स आते हैं, हमें रोज़ मैसेजेस आते हैं कि हम आपको डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, एंड इट डज़ नॉट मैटर कि आपका क्या कॉलेज आया है काउंसलिंग में या आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वी कैन गिव यू डायरेक्ट एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। सो बेटा, ये जो भी कॉल्स आपको आ रहे हैं, जो ईमेल्स आपको आ रहे हैं या आपको मैसेजेस के थ्रू बार बार ये कन्वे किया जा रहा है, दे आर ऑल स्कैमर्स, राइट? आपको यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और पैसे नहीं देने हैं। सो इफ़ anyone says कि आप मुझे इतने पैसे दे दो और मैं आपकी यहाँ एडमिशन करा दूंगा या मैं यहाँ पर आपकी एडमिशन करा दूंगा मैनेजमेंट कोटा से, सो इवन मैनेजमेंट कोटा में भी पैसे कॉलेज में जाके देने होते हैं। डोंट पे anything टू थर्ड पार्टी, राइट? एनी पर्सन, कोई भी हो, चाहे वो बोले कि मैं कॉलेज से आया हूँ, चाहे वो बोले मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, चाहे वो आपसे कहीं बाहर मिले, सो नेवर नेवर पे एनीथिंग टू देम, राइट? सो IP यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन IP यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ही होगी। सो जब आप काउंसलिंग में आपका नाम आता है जिस कॉलेज में जहाँ पे अलॉटमेंट होती है, आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर जाकर अपना विलिंगनेस शो करेंगे, अपने 60,000 डिपॉजिट कराएंगे, आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलेगा, एंड देन आप उस कॉलेज में जाकर अपनी बाकी की फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो, राइट? सो जिन लोगों को अभी कॉलेज नहीं भी मिले हैं, वी स्टिल हैव राउंड 2 एंड राउंड 3, सो दी होप इज़ देयर आप उसके लिए जा सकते हो। उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड में जो बच्चे कॉलेज छोड़ जाते हैं, लाइक जो उन्होंने एडमिशन लिया पहले बट देन दे गॉट समवेयर एल्स और वो उस कॉलेज में अब नहीं रहना चाहते हैं, सो दे लीव दैट, तो वो सीट्स जो बच जाती हैं वो स्पॉट राउंड में मिलती हैं। और स्पॉट राउंड में रैंक के हिसाब से भी नहीं होता है, उसमें दे आर डिफरेंट क्राइटेरिया विच दे यूज, बट चलो दैट्स अनदर थिंग। पर अभी के लिए जो आपको कॉल्स आ रही हैं, जो भी बच्चों को कॉल आ रही है कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपकी डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, सो डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट स्कैम। वो सिर्फ स्कैम है, वो कोई आपको एडमिशन नहीं दिला सकते हैं IP यूनिवर्सिटी के अंडर। अगर कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उसकी जो डिग्री आपको मिलेगी BCA की, उस डिग्री में IP यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री नहीं मिलेगी, वो कॉलेज सिर्फ अपनी तरफ से देगा, राइट? सो वो कॉलेज अपनी तरफ से आपको BCA की डिग्री दे सकता है, बट दैट विल नॉट बी गिवन बाय दी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। IP यूनिवर्सिटी से वो डिग्री नहीं होगी। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है ऑप्शन, अगर वो कहते हैं कि हाँ कॉलेज के ऑफिस में आके फ़ी पे करो, देन मेक श्योर कि जो कॉलेज वाले फ़ीस मांग रहे हैं उनसे पूछो कि मुझे डिग्री कौन सी मिलेगी, विच डिग्री आई विल गेट, वेदर इट विल बी रिटर्न लाइक गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी या आपके किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। सो मेक श्योर यू गेट टू नो दैट कि आपको डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की जाएगी इफ़ दे आर टेकिंग डायरेक्ट एडमिशंस, राइट? सो बस यही बताना था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई हैव रिप्लाइड सो मेनी ऑफ यू इन द मैसेजेस एंड कमेंट्स, बट आई थॉट कि एक बार जनरल सबको बता देती हूँ कि दीज आर स्कैमर्स, सो प्लीज़ डोंट गेट इन टू द ट्रैप। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छी जाएंगी एडमिशन्स आपकी। कोई और तरह के सवाल या डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स।